हेलो, वेलकम टू सोमा बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर सिक्स को। सिक्स चैप्टर आपका क्लास 12 बायोलॉजी का मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। जो टॉपिक इस चैप्टर में है, डीएनए स्ट्रक्चर, डीएनए को डिस्क्राइब किया गया है, सर्च फॉर जेनेटिक मटीरियल, कैसे ये बात साबित करी गई कि डीएनए जेनेटिक मटीरियल है, आरएनए वर्ड, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड, ट्रांसलेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 5 to 6 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल सकते हैं, ठीक है जी। बेसिकली बात करी जाए कि क्या पढ़ के जाए, क्या ना पढ़ के जाए। पढ़ के तो आपको एक एक लाइन जानी बेटा, एक एक लाइन इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। फिर भी जो शॉर्ट लिस्ट की है मैंने आपके लिए कि कहाँ से आपको क्वेश्चन मिल सकता है, चारगाफ रूल को जरूर पढ़िए, पैकेजिंग ऑफ डीएनए में न्यूक्लियोसोम को जरूर पढ़िए, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, लैक ओपेरॉन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, कुछ थोड़े से सॉर्ट आउट किए हैं मैटर आपके लिए। फिर से आता हूँ वापस इस पे। तो एक एक लाइन पढ़नी है आपने, बिल्कुल पढ़ते हुए चलिए। और डीएनए के स्ट्रक्चर को जब क्रैक कर लिया गया, डीएनए का स्ट्रक्चर किन्होंने प्रपोज किया है, यहाँ से देखिए आ जाइए। इन 1953 जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, बेस्ड ऑन एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा प्रोड्यूस्ड बाय मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिन फ्रैंकलिन। तो हम लोग जो स्ट्रक्चर आजकल डीएनए का पढ़ते हैं, बी स्ट्रक्चर कहलाता है, उसको 1953 में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने प्रपोज किया था। और ये उनका जो प्रपोजिशन था किस पे आधारित था, तो आधारित था मॉरिस विल्किंस और रोजालिन फ्रैंकलिन की वर्क पे, जिन्होंने प्रपोज एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा प्रोड्यूस किया था। इन्होंने दिया, जिन्होंने जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने बी स्ट्रक्चर, फेमस डबल हेलिक्स बी स्ट्रक्चर फॉर डीएनए। वन ऑफ द हॉलमार्क ऑफ देयर प्रपोजिशन वॉज बेस पेयरिंग। एक बहुत इंपॉर्टेंट उसकी बात थी कि बेस पेयरिंग को इन्होंने बताया कि ये जो है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करता है, एडिनिन हमेशा थाइमिन के अपोजिट आएगा, एक स्टैंड पे एडिनिन है तो दूसरे स्टैंड पे थाइमिन होगा, एडिनिन हमेशा बेस पेयरिंग करेगा थाइमिन के साथ, और साइटोसिन हमेशा बेस पेयरिंग करेगा ग्वानिन के साथ। एडिनिन ग्वानिन ये प्यूरिन्स बेस पेयर है, प्यूरिन्स बेस है, और थाइमिन और साइटोसिन ये आपके पिरिमिडीन है। तो एडिनिन और ग्वानिन प्यूरिन के एग्जांपल है, प्यूरिन नाइट्रोजिनस बेस के, साइटोसिन थाइमिन आपके पिरिमिडीन बेस के एग्जांपल है। तो ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, सी और जी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, ये कुछ बातें बताई गई। तो बहुत इंपॉर्टेंट इनका जो बेस स्ट्रक्चर था उसमें बेस पेयरिंग का जो इन्होंने बताया, वो एक अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। हाउएवर दिस प्रपोजिशन वाज आल्सो बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ अरविन चारगाफ। तो चारगाफ ने कुछ फाइंडिंग, कुछ रूल बताए थे उसके आधार पे, प्लस जो मॉरिस विल्किंस और रोजालिन फ्रैंकलिन का वर्क था जिसमें इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा प्रोड्यूस किया था। तो दो चीज़ों पर आधारित होते हुए जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया था, बताया था 1953 में। तो दो बातें थी, दो उनके आधार स्तंभ थे जिन पे उनकी ये बी स्ट्रक्चर जो उन्होंने डिस्क्राइब किया आधारित था। एक तो एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा प्रोड्यूस बाय मॉरिस विल्किन एंड रोजालिन फ्रैंकलिन, और दूसरा ऑब्जर्वेशन ऑफ अरविन चारगाफ, ठीक है, डबल स्ट्रैंड डीएनए के लिए जो चारगाफ ने रूल दिए, या कहिए जो चारगाफ की फाइंडिंग थी, चारगाफ के जो ऑब्जर्वेशन थी। तो पहले तो ये आप स्क्रीन कैप्चर कर लीजिएगा, इसको स्टिल करके, ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, कुछ इसमें से पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपकी बुक में मेंशन है, एक दो पॉइंट्स हैं जो आपकी बुक में मेंशन नहीं है। तो ये आप इसको इस स्लाइड को अपना ये स्टिल करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और चाहें तो इसको नोट करके फिर पढ़ लीजिएगा। सारा मैंने वर्किंग करके एक जगह कर दिया है, बहुत सारे पॉइंट्स तो ऐसे हैं जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखे हैं, लेकिन वो अलग अलग मतलब पेजेस पे हैं। तो सेंट्रल डोगमा फर्स्ट प्रपोज बाय फ्रांसिस क्रिक 1961, फ्रांसिस क्रिक एंड कोलिग्स इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ कोडॉन 1962, विल्किंस वॉटसन क्रिक अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1962, अलेक्जेंडर रिच प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ आरएनए वर्ल्ड 1968, नोबेल प्राइज वॉज अवार्डेड टू होली नैरनबर्ग एंड खोराना फॉर देयर वर्क ऑन जेनेटिक कोड। तो ये कुछ बातें हैं जो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं और इसको आप पढ़ लीजिए। चलिए आ जाइए चारगाफ रूल को, मैं थोड़ा सा आपको पढ़ाना चाहता हूँ।
चारगाप रूल इस बार आपसे इस पे आधारित एक न्यूमेरिकल आपको मिल सकता है। चारगाप क्या कह रहे हैं, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स बेस पेयर आर इन इक्वल अमाउंट इन डीएस डीएनए। डबल स्ट्रैंड डीएनए में प्यूरिन्स जो बेस पेयर होंगे और पायरिमिडिन वो इक्वल होंगे, मतलब ए प्लस जी का जो कंटेंट होगा अमाउंट होगा इक्वल होगा सी प्लस टी के। ठीक है जी, डबल स्ट्रैंड डीएनए में इक्वल होगा। मोलर अमाउंट ऑफ एडिनिन इज ऑलवेज इक्वल टू मोलर अमाउंट ऑफ थायमिन। शुगर डीऑक्सीराइबोज एंड फॉस्फेट अकर इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन। डबल स्ट्रैंड डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर और फॉस्फेट जो है इक्वल अमाउंट में होंगे। ए टी बेस पेयर आर रेयरली इक्वल टू सी जी बेस पेयर। तो ए और टी इनका नंबर जो बेस पेयर का मानिए 100 है, तो रेयर ही होगा कि डबल स्ट्रैंड डीएनए में सी और जी का बेस पेयर 100 हो, रेयरली इक्वल होता। द रेशियो ऑफ ए टी सी जी रेशियो जो है वेरिएबल है अलग अलग स्पीसीज के लिए, लेकिन एक स्पीसीज में कॉन्स्टेंट होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैन के लिए, ह्यूमन बींग के लिए 1.55 है और इकेरकोलाई के लिए ये 0.93 है। एक चीज और याद रख लीजिएगा, यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल में इसका जो अमाउंट मतलब होता है ए टी ए प्लस सी डिवाइडेड बाई सी प्लस जी, ये जो होगा रेशियो ये लेस देन 1 होगा और यूकैरियोटिक सेल के लिए ऑलवेज मोर देन 1 होगा। ए प्लस टी सम टोटल ऑफ एडिनिन थायमिन डिवाइडेड बाय सम टोटल ऑफ ग्वानिन साइटोसिन। प्रोकैरियोटिक सेल में इसका जो अमाउंट होगा ऑलवेज लेस देन 1 होगा और यूकैरियोटिक सेल में ऑलवेज मोर देन 1 होगा। ये चीज आप याद रख लीजिएगा, काम आपका चलेगा। अब ये जो एरविन चारगाप की जो फाइंडिंग थी उस पर जो न्यूमेरिकल बन सकते हैं, देखिए आइए। द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल आर सेपरेटेड, दो स्ट्रैंड हैं, तो जहाँ जहाँ इस स्ट्रैंड पे ए अपोजिट स्ट्रैंड पे टी, यहाँ टी तो यहाँ ए, इस स्ट्रैंड पे साइटोसिन तो इस स्ट्रैंड पे ग्वानिन, इस स्ट्रैंड पे ग्वानिन तो इस स्ट्रैंड पे साइटोसिन। ठीक है, दोनों स्ट्रैंड अलग अलग कर लिए और एनालाइज किया गया एक स्ट्रैंड को। ए टी जी सी रेशियो इज फाउंड टू बी 0.2। तो ए टी का सम टोटल एक्स और इसका सम टोटल वाई, मानिए ये 40 है और ये 60 है, ये 30 है, ये 20 है, ऐसा एक इमेजिनरी हमने हाइपोथेटिकल ले लिया। तो एक स्ट्रैंड के लिए ए टी सी जी रेशियो 0.2 है, दूसरे स्ट्रैंड पे कितना होगा बेटा 0.2 ही होगा। कारण क्योंकि जो ए टी ए का इधर अमाउंट है वो इधर टी का अमाउंट है, इधर टी होंगे इस स्ट्रैंड पे 40 और इस स्ट्रैंड पे, इस वाले स्ट्रैंड पे मानिए ये स्ट्रैंड आपका हो गया पी और ये स्ट्रैंड हो गया क्यू। अगर पी स्ट्रैंड पे ए एडिनिन की अपीयरेंस 40 टाइम्स है तो क्यू स्ट्रैंड पे थायमिन की अपीयरेंस 40 टाइम्स है, और पी स्ट्रैंड पे थायमिन की प्रेजेंस अगर 60 टाइम्स है, इट मींस क्यू स्ट्रैंड पे एडिनिन की प्रेजेंस 60 टाइम्स है। तो ए प्लस टी इस स्ट्रैंड के लिए अगर ए प्लस टी का मैग्नीट्यूड 100 है तो इधर भी 100 ही होगा, और जी प्लस सी वही चीज आप एप्लीकेबल कर लीजिए, 30 प्लस 20 उधर 20 प्लस 30 जितना भी है, जो स्ट्रैंड पे पी स्ट्रैंड पे जी प्लस सी की जो वैल्यू है क्यू स्ट्रैंड पे भी उतनी रहेगी। ठीक है, ओके। तो अगर ये ए टी सी जी रेशियो इस स्ट्रैंड का 0.2 है तो इस स्ट्रैंड का कितना 0.2 ही होगा। तो ये मैंने आपको इसलिए कराया कि आप कैलकुलेट करने ना बैठ जाए, आप पहले ही कॉन्सेप्ट बना के जाए। डबल स्ट्रैंड डीएनए में ए टी सी जी रेशियो एक स्ट्रैंड का अगर एक्स है तो दूसरे स्ट्रैंड का भी एक्स होगा। ठीक, एक चीज़ तो ये आप याद रखिएगा, तो वहाँ पे आप उलझोगे नहीं, आप तुरंत अगर क्वेश्चन आया कर लोगे। अब क्वेश्चन दूसरा कैसे फ्रेम हो सकता है, द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल सेपरेटेड, वन ऑफ देम इज एनालाइज्ड, ए टी सी जी रेशियो फाउंड टू बी 0.2, व्हाट कुड बी जी सी ए टी रेशियो। अब उसने पलट दिया क्वेश्चन, या पिछली बार सेम पूछा था कि ए प्लस टी और जी प्लस सी, तो x बाई वाई अगर इस स्ट्रैंड का है तो इस स्ट्रैंड का भी x बाई वाई है। अब उसने कहा कि g प्लस सी और ए टी रेशियो क्या है दूसरे स्ट्रैंड का, तो पहले तो इसी स्ट्रैंड पे आ जाइए, जो इस स्ट्रैंड का ए टी जी सी रेशियो है p स्ट्रैंड का वही q का है। अब आप इसको अगर ये a प्लस टी g प्लस सी रेशियो पूछा गया, अगर आपसे पूछा जाता g प्लस सी और a प्लस टी रेशियो इस स्ट्रैंड का कितना है तो कितना हो जाता, 1/x हो जाता, सीधी सी बात 1/x हो जाता ना भाई, x था ए टी सी जी रेशियो पी स्ट्रैंड का x है मान लो,
सपोज फिर से देखो मैं करूँ, एक चीज़ पहले मैं क्लियर कर चुका हूँ कि डबल स्ट्रैंड डीएनए में पहले चीज़ जो कॉन्सेप्ट हम लोग बना चुके ए प्लस टी सी प्लस जी रेशियो, अगर इस स्ट्रैंड का एक्स है तो इस स्ट्रैंड का भी एक्स है, ठीक। ये चीज़ हम लोग डिस्क्राइब कर चुके हैं पहले वाली स्लाइड में। अब आइए आपसे क्या पूछा गया, अब ए प्लस टी और सी प्लस जी रेशियो इस स्ट्रैंड का अगर एक्स है तो अब अगर हम आपसे ये पूछें इसी स्ट्रैंड का सी प्लस जी और ए प्लस टी रेशियो क्या है, तो बेटा अगर ये एक्स था पहले तो एक्स बाई वन था ना, इमेजिनरी आप कर लीजिए, तो सी प्लस जी ए प्लस टी रेशियो क्या हो जाएगा इसी स्ट्रैंड का सेम स्ट्रैंड का वन बाई एक्स हो जाएगा। और यही अगर इस स्ट्रैंड का पूछें हम सी प्लस जी और ए प्लस टी रेशियो क्या है इस स्ट्रैंड का, तो सीधी सी बात है वन बाई एक्स ही है, क्योंकि जो ए प्लस टी रेशियो इस स्ट्रैंड का है वही इस स्ट्रैंड का है, और अगर सी प्लस जी रेशियो जो इस स्ट्रैंड का है पी स्ट्रैंड का वही क्यू स्ट्रैंड का है, ठीक है। आपने क्या याद रखना है, वहाँ कैलकुलेट करने ना बैठ जाना, आप पहले ही घर से ही कॉन्सेप्ट बना के जाओ कि ए प्लस टी और सी प्लस जी रेशियो जो डबल स्ट्रैंड डीएनए में जो एक स्ट्रैंड का होता है वही दूसरे स्ट्रैंड का होता है। अगर हम उसको दूसरी तरह से पूछ दें, अगर सी प्लस जी और ए प्लस टी रेशियो पूछें तो भी उसकी बात यही कि अगर ये वाई है इस स्ट्रैंड का तो इस स्ट्रैंड का भी वाई है, सीधी सी बात, ओके। और अगर वाई की वैल्यू कितनी होगी वन बाई एक्स होगी, अगर ए टी सी जी रेशियो था जो ए प्लस टी सी प्लस जी, ठीक है, इसको हम एक्स बोल रहे हैं और इसी को हम वाई बोल रहे हैं, सी प्लस जी और ए प्लस टी क्या हो जाएगा वाई। तो वाई और ए का अगर हम बिठाना चाहें कि क्या इनका संबंध बन सकता है, तो वाई को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं वन बाई एक्स, ये वैल्यू हो जाएगी, वाई इज इक्वल टू वन बाई एक्स हो जाएगा, क्योंकि आपने ए प्लस टी सी प्लस जी रेशियो जो है वो एक्स है, अगर ये एक्स वैल्यू है तो सी प्लस जी डिवाइडेड बाई ए प्लस टी को अगर हम रिवर्स कर दें इसको, तो इसको भी रिवर्स कर दीजिए, इसके नीचे एक इमेजिन कर लीजिए वन बाई एक्स हो जाएगा, और वन बाई एक्स को ही हम वाई बोल रहे हैं, ठीक है। आ गई बात समझ में, जो इस स्ट्रैंड का ए प्लस टी सी प्लस जी रेशियो है वही इस स्ट्रैंड का ए प्लस टी डिवाइडेड बाई सी प्लस जी रेशियो है, जो इस स्ट्रैंड का सी प्लस जी ए प्लस टी रेशियो है वही इस स्ट्रैंड का सी प्लस जी ए प्लस टी रेशियो है, ठीक है। इस स्ट्रैंड का ए प्लस टी सी प्लस जी रेशियो अगर एक्स है तो इसी स्ट्रैंड का सी प्लस जी डिवाइडेड बाई ए प्लस टी रेशियो क्या हो जाएगा वन बाई एक्स हो जाएगा, क्लियर। तो अगर आपसे वहाँ पूछ लिया गया इस स्ट्रैंड का रेशियो 0.2 है, तो इस स्ट्रैंड का रेशियो अगर ए प्लस टी सी प्लस जी पूछता तो आपका आंसर 0.2। अब उसने पूछा है इस स्ट्रैंड का दूसरे स्ट्रैंड का रेशियो जी प्लस सी ए डिवाइडेड बाई ए प्लस टी कितना, तो 1 बाई एक्स कर लीजिए 1 बाई 0.2, आपका आंसर हो जाएगा 5, क्लियर। तो वहाँ पे आपको कैलकुलेशन से बच जाओगे आप, वरना 2-3 मिनट आपके बेकार और क्वेश्चन बेकार। चलिए आगे चलें इस वाले चैप्टर से, और कहाँ से क्वेश्चन मिल सकता, क्वेश्चन तो हर जगह से मिल सकता है, लेकिन फिर भी न्यूक्लियोसोम पे आ जाइए, न्यूक्लियोसोम से क्वेश्चन आपको इस बार मिलने की उम्मीद है, जहाँ पे पेज नंबर 99 पे इसने न्यूक्लियोसोम को डिस्क्राइब किया, द नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर किसका बना, हिस्टोन के चार मॉलिक्यूल का बना है, H2A के 2, H2B के 2, H3 के और H4 के, हिस्टोन ऑक्टामर जो बना है वो इन चार हिस्टोन प्रोटीन के 2-2 मॉलिक्यूल से बना, और हिस्टोन ऑक्टामर में हमारी H1 जो हिस्टोन प्रोटीन है वो पार्टिसिपेट नहीं करती। हिस्टोन ऑक्टामर पे जब पॉजिटिवली चार्ज रैप हो जाता है डीएनए, तब हम उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेंस 200 बेस पेयर, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर डीएनए हेलिक्स के होते हैं। न्यूक्लियोसोम कॉन्स्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमेटिन, न्यूक्लियोसोम किसकी रिपीटिंग यूनिट है, क्रोमेटिन फाइबर की। थ्रेड लाइक स्टेन बॉडी सीन इन न्यूक्लियस, तो क्रोमेटिन क्या है, क्रोमा का मतलब कलर, चीज कोई कलर,
और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्टेन बॉडी सीन इन न्यूक्लियस, ये आपको इंटरफेस न्यूक्लियस में दिखाई देगी। यही क्रोमेटिन जब कंडेंस हो जाता है प्रायर टू सेल डिवीजन तो क्रोमोसोम कहलाता है। द न्यूक्लियोसोम इन क्रोमेटिन आर सीन, न्यूक्लियोसोम कैसे दिखाई देंगे, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, ये बहुत चलता है बीड्स ऑन स्ट्रिंग, अक्सर क्वेश्चन वो फ्रेम करके पूछ लेते हैं कि बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर जो आपको न्यूक्लियस में दिख रहा है बेसिकली वो है क्या, वो आपके न्यूक्लियोसोम है। न्यूक्लियोसोम बने किसके हैं, स्टोन ऑक्टामर, और उसके चारों तरफ रैप है डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए का हेलिक्स का कुछ पार्ट, कितना पार्ट आ रहा है 200 बेस पेयर आ रहे हैं। तो अगर आप इसकी लेंथ पूछ लिए जाए कितना लगभग उस पर लिपट जाता है, तो एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर का जो डिस्टेंस है उसको आप कैलकुलेट इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक न्यूक्लियोसोम में लगभग कितना डीएनए होगा ये आपको लेंथ ऑफ डीएनए वो कैलकुलेट हो जाएगी। तो एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर का डिस्टेंस जो है ये आपका यहाँ पे दे रखा है, कहाँ पे आइए दिखाता हूँ, द डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर 0.34 नैनोमीटर और 0.34 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर। अब अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लियोसोम में कितना लेंथ लगभग डीएनए का लिपटा हुआ, ये क्वेश्चन बन सकता है इस बार, बिल्कुल आ सकता है आपसे कि वो पूछ सकता है कि एक न्यूक्लियोसोम पे जो डीएनए लिपटा हुआ उसकी लेंथ कितनी है। तो यहाँ पे आपको अप्लाई क्या करना है कि कितने बेस पेयर लिपटे हुए हैं, 200 बेस पेयर मल्टीप्लाइड बाय कर दीजिए कितना 0.34 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर आ जाएगा आंसर आपका, कितना आ जाएगा 200, ये उड़ा दिया आपने 68 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, 6.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर, ठीक है जी, ऐसे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरह से सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल इस बार ये क्वेश्चन आपको मिलना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन ही फ्रेम कर देते हैं आपका कॉन्सेप्ट भी, भाई हर चीज़ रटाई रटाई थोड़ी ना पका पकाया खीर आपको हर जगह मिल जाए, कहीं कहीं आपको थोड़ी सी बुद्धि लगानी पड़ेगी। आगे चलते हैं, आगे कहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता, चलिए न्यूक्लियोसोम की बात होने के बाद अब ये आप आइए डीएनए रेप्लिकेशन पे आ जाइए, सब ये इम्पोर्टेंट है जो मैं बाईपास कर रहा हूँ, किसी को भी छोड़ना नहीं बेटा, सबको पढ़ के जाना है, लेकिन फिर भी कुछ बातें हम लोग अपने एक्सपीरियंस से कहते हैं कि इस साल यहाँ से बनना चाहिए। अब यहाँ पे आइए आप डीएनए एस वाले पेज नंबर 106 पे, और जहाँ पे इसने रेप्लिकेशन के प्रोसेस को डिस्क्राइब किया, रेप्लिकेशन फॉर्क बन गया, ये हमारा डबल स्ट्रैंड डीएनए, हमारे हेलिकेज एंजाइम ने हाइड्रोजन बॉन्ड काट दिए और ओपनिंग हो गई है थोड़े स्ट्रैंड की, ये रेप्लिकेशन फॉर्क बन गया, ठीक है जी। रेप्लिकेशन फॉर्क में एक चीज़ आपको समझनी है कि एक स्ट्रैंड की पोलैरिटी फिफ्थ प्राइम एंड तो थर्ड प्राइम एंड, तो दूसरा स्ट्रैंड जो है अपोजिट डायरेक्शन में होगा फिफ्थ प्राइम एंड टू थर्ड प्राइम एंड। अब ये वाला जो स्ट्रैंड है इस पे अगर हमारा जुड़ेगा प्राइमेज प्राइमर जुड़ा, तो इधर फिफ्थ प्राइम एंड इधर थर्ड प्राइम एंड, यहाँ से लगातार ये जुड़ते चले जाएंगे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, और कंटिन्यूस फॉर्मेशन होता चला जाएगा डीएनए स्ट्रैंड का। लेकिन इस वाले स्ट्रैंड पे अगर हम प्राइमर यहाँ लगाते हैं तो इधर थर्ड प्राइम एंड और इधर फिफ्थ प्राइम एंड, और हमेशा जो नया न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है थर्ड प्राइम एंड से जुड़ता है, क्यों, क्योंकि थर्ड प्राइम एंड पे ही आपको फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप मिल रहा है। भैया ये है आपका स्ट्रक्चर, हमारे यहाँ पे नाइट्रोजिनस बेस और यहाँ पे इसके फिफ्थ कार्बन से जुड़ी हुई है फॉस्फेट, ये थर्ड कार्बन एटम पे थर्ड ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है थर्ड कार्बन एटम पे फ्री है, हमेशा इसी से इलोंगेशन हो सकता है, यहीं से आप किसी ऐसे आदमी के घर जाओगे जो आपको वार्मली रिसीव करे, आपकी हॉस्पिटैलिटी अच्छे से करे, आप ऐसे क्या नहीं जाओगे जो आपको अटेंड ना करे, आईपीएल का मैच देखे क्या क्यों आ गए। तो हमेशा नया न्यूक्लियोटाइड थर्ड प्राइम एंड से जुड़ता है, क्योंकि यहाँ पे हाईली रिएक्टिव ग्रुप है जो उसको लगे हाथ तुरंत लपक लेता है और उससे बॉन्ड बना लेता है। इधर क्योंकि फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप है, उधर से बॉन्ड बनने में सहायता मिल नहीं रही, तो हमेशा थर्ड प्राइम एंड से जब भी डीएनए रेप्लिकेशन होता है पॉलीमर बनने जा रहा है किसका, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड का, तो एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ने जा रहा है, जुड़ने की प्रक्रिया कहाँ से होगी, हमेशा थर्ड प्राइम एंड से होगी। तो यहाँ पे अगर प्राइमर लगा इसके अपोजिट प्रोसेस चालू करने को, तो इधर क्या मिल रहा, फिफ्थ प्राइम एंड फ्री मिल रहा, तो उधर से तो जुड़ नहीं सकता, तो इसलिए प्राइमर इसकी जड़ पे लगता, यहाँ लगा प्राइमर तो यहाँ है फिफ्थ प्राइम एंड और इधर थर्ड प्राइम एंड, ओएच ग्रुप फ्री मिल गया, तो यहाँ से यहाँ तक का एक बार स्ट्रैंड बन गया। इतना स्ट्रैंड बनने के बाद अब जब ये थोड़ा और खुला, एक ही बार में पूरा ये खुलता नहीं है, जो हमारा डबल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो ये थोड़ा थोड़ा करके टुकड़ों में खुलता है,
यहाँ तक का ये कंटिन्यू ये बन गया है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड। इसके हिसाब से ये टेम्पलेट और इसके हिसाब से इधर कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बन गया और इधर बन गया। इधर जो बनने की प्रक्रिया थी वो ऐसे यहाँ से यहाँ तक हो गई, इधर यहाँ से यहाँ तक हो गई। अब जब ये और खुल गया, नेक्स्ट स्टेप पे आ जाइए, तो ये थी हमारी ए पोजीशन। ए पोजीशन के हिसाब से यहाँ तक बन चुका है स्ट्रैंड और इसमें यहाँ तक बन चुका है स्ट्रैंड। यहाँ पे फिर से जब ये खुल गया बी पोजीशन पे, तो यहाँ तो उसको इस वाले स्ट्रैंड पे, जिसकी की पोलैरिटी थर्ड प्राइम एंड फिफ्थ प्राइम एंड थी, यहाँ पे इसको थर्ड प्राइम एंड फ्री मिला और यहाँ से फिर ये इलोंगेशन होता चला गया। लेकिन यहाँ पे दुविधा, यहाँ पे इस तरफ था आपका फिफ्थ प्राइम एंड, ये देखिए प्राइम एंड लगा था यहाँ पे, यहाँ पे है फिफ्थ प्राइम एंड, ठीक है, और इधर है थर्ड प्राइम एंड, तो ये जुड़ नहीं सकता। तो क्या होगा, फिर से एक बार प्राइमर यहाँ लगाना पड़ेगा, फिफ्थ प्राइम एंड थर्ड प्राइम एंड, और फिर से इतना टुकड़ा बनेगा। तो जितनी बार ये खुलेगा, अब फिर से एक बार इसको खोलता हूँ, तो ए में यहाँ तक बना था, बी में यहाँ तक बना था, बी में यहाँ तक बन चुका, एक बार इतना बना, एक बार इतना बना। अब जब ये फिर से खुला तो फिर से यहाँ प्राइमर लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये फिफ्थ एंड यहाँ पे है, फिफ्थ एंड यहाँ पे, यहाँ पे लगाया आपने फिफ्थ एंड, प्राइमर फिर से लगा, थर्ड एंड फ्री मिला, तब ये जुड़ता हुआ चलेगा। इसलिए होगा जाके फ्रेगमेंट रुक रुक के इधर बन रहा है, इधर कंटिन्यूस बन रहा है, यही आपसे पूछा जाता, यही मैं एक्सप्लेन करना चाहता था जो इसमें इसने एक्सप्लेन किया। द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटालाइजेस पॉलीमराइजेशन ओनली वन डायरेक्शन फिफ्थ प्राइम एंड टू थर्ड प्राइम एंड, कहने का मतलब है थर्ड प्राइम एंड से ही जुड़ेगा नया न्यूक्लियोटाइड। दिस क्रिएट सम एडिशनल कॉम्प्लिकेशन एट द रेप्लिकेशन फॉर्क, कॉन्सिक्वेंटली ऑन वन स्टैंड, एक स्टैंड पर जिसकी की पोलैरिटी थर्ड प्राइम एंड टू फिफ्थ प्राइम एंड है, थर्ड प्राइम एंड टू फिफ्थ प्राइम एंड है, क्योंकि इस पे थर्ड प्राइम एंड टू फिफ्थ प्राइम एंड है कह रहा है, द रेप्लिकेशन इज कंटिन्यूस, उस पे रेप्लिकेशन कंटिन्यूस है। तो फिफ्थ प्राइम एंड टू थर्ड प्राइम एंड वाली जिसकी पोलैरिटी है ऑन वन स्टैंड, द टेम्पलेट विथ थर्ड प्राइम एंड टू फिफ्थ प्राइम एंड, उसकी पोलैरिटी जिसकी की थर्ड प्राइम एंड टू फिफ्थ प्राइम एंड है, ऐसे देखिए उसमें कंटिन्यूस फॉर्मेशन होगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। द टेम्पलेट विथ पोलैरिटी थर्ड प्राइम एंड टू फिफ्थ प्राइम एंड, द रेप्लिकेशन इज कंटिन्यूस, उसमें रेप्लिकेशन कंटिन्यूस है, थर्ड प्राइम एंड फिफ्थ प्राइम एंड, तो यहाँ पे प्राइमर लगा फिफ्थ, थर्ड कंटिन्यूस यहाँ तक बना, उसके आगे फिर से खुला, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड है थर्ड प्राइम एंड उसको फ्री मिलना, अभी स्लाइड पे चल के आपको समझाता हूँ। वाइल द ऑन द अदर द टेम्पलेट जिसकी की पोलैरिटी फिफ्थ प्राइम एंड टू थर्ड प्राइम एंड है, उस पर डिसकंटिन्यूस है, रुक रुक के है, और डिसकंटिन्यूस सिंथेसाइज फ्रेगमेंट्स आर लेटर ज्वाइंट बाय एंजाइम डीएनए लाइगेस, ये जो रुक रुक के बन रहा है उसी को हम लोग ओका जाकी फ्रेगमेंट्स बोल रहे हैं। आइए देखिए ये वाला, तो इसको आप लोग चलिए आइए समझें हम लोग अपनी स्लाइड पे, पेज नंबर 106 पे, ठीक है, आइए इसको फिर से एक बार आपको समझाऊं, क्योंकि उधर बैकग्राउंड में है क्या बेटा, ये देखो ये हमारा खुल गया, तो ये है थर्ड प्राइम एंड, ये है फिफ्थ प्राइम एंड, ये है थर्ड प्राइम एंड, ये है फिफ्थ प्राइम एंड, इस पे प्राइमर लगा यहाँ पे, फिफ्थ प्राइम एंड थर्ड प्राइम एंड, अब थर्ड प्राइम एंड फ्री मिला, ओ एच ग्रुप है, यहाँ से यहाँ तक इसने बना दिया, तो आखिरी न्यूक्लियोटाइड जो यहाँ पे आया है जहाँ तक ये खुल गया, यहाँ फिफ्थ प्राइम एंड है या थर्ड प्राइम एंड है। अब ये थी ए पोजीशन, बी पोजीशन पे आइए, जब ये फिर से और खुल गया, तो यहाँ से यहाँ तक बन चुका है ये पोजीशन, वो हमने यहाँ पे ले आए, ये पोजीशन ये यहाँ तक ले आए, उसके बाद जब ये और खुल गया तो इसको तो यहाँ पे थर्ड प्राइम एंड फ्री मिल रहा है, तो ये जुड़ता चला जाएगा और आखिरी वाला जो न्यूक्लियोटाइड होगा वो फिफ्थ प्राइम एंड टू थर्ड, फिर से जब खुलेगा सी पोजीशन पे तो उसको फिर से मिल जाएगा फ्री थर्ड प्राइम एंड, और ये इधर लगातार कंटिन्यूस फॉर्मेशन हो रहा, ठीक है, तो वो वाला स्ट्रैंड जिसकी की पोलैरिटी थर्ड प्राइम एंड टू फिफ्थ प्राइम एंड है, उस पर कंटिन्यूस फॉर्मेशन होता है डीएनए के बनने का, इसीलिए इसको हम लोग लीडिंग, लीडिंग क्या मतलब आगे आगे चल रहा है, लैगिंग का मतलब पीछे पीछे चल रहा है, क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम लेके हो रहा है, यहाँ वाला टाइम लेके क्यों हो रहा है, क्योंकि पहली बार जब ये खुला तो यहाँ से यहाँ तक तो बन गया स्ट्रैंड, कोई दिक्कत नहीं हुई, प्राइमर यहाँ लगा था जड़ पे, जड़ पे इसलिए लगा क्योंकि इधर की तरफ है फिफ्थ प्राइम एंड और इधर की तरफ है थर्ड, एक बार इसको इरेज कर दूँ फिर से नया बनाऊँ, तो ये देखो आप, ये तो मैं आपको समझा चुका हूँ इस वाले स्ट्रैंड को, अब हम लोग इस वाले स्ट्रैंड को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, फिफ्थ प्राइम एंड टू थर्ड प्राइम एंड जिसकी पोलैरिटी, अगर प्राइमर यहाँ लगता है
तो थर्ड प्राइम एंड इधर होगा, फिफ्थ प्राइम एंड इधर। तो इधर से अगर हम जोड़ना चाहेंगे तो उसका टेम्पलेट है ही नहीं, तो बन नहीं पाएगी। ट्रेन तभी भागेगी जब दोनों पटरियाँ होगी, पटरी एक होगी, पटरी नहीं है तो कैसे होगा। तो प्राइमर यहाँ ना लग के जड़ पे लगा, फिफ्थ प्राइम एंड इधर, थर्ड प्राइम एंड इधर, इधर से जुड़ता चला गया और यहाँ तक बन गया ए पोजीशन। अब बी वाली पोजीशन पे आइए, जब वो और खुल गया, जब वो और खुल गया तो यहाँ तक बन चुका था, इधर था फिफ्थ प्राइम एंड इधर था थर्ड प्राइम एंड, और ऐसे जुड़ते हुए बन गया। अब देखिए फिर इधर से नहीं जुड़ सकता क्योंकि फिफ्थ है, तो फिर से एक बार प्राइमर यहाँ लगाना पड़ेगा, फिफ्थ प्राइम एंड थर्ड प्राइम एंड। इस तरह से बार बार प्राइमर हमको जितनी बार ये खुलेगा स्ट्रैंड, इस वाले स्ट्रैंड पे जिसकी की पोलैरिटी फिफ्थ प्राइम एंड टू थर्ड प्राइम एंड है, बार बार फॉक की रूट पे आपको प्राइमर लगाना पड़ेगा। मल्टीपल प्राइमर लगेंगे जो बाद में रिमूव कर दिए जाते हैं और उनकी जगह डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड अटैच कर दिए जाते हैं, ठीक है। इस वाले स्ट्रैंड को हम लोग लैगिंग स्ट्रैंड और इस वाले स्ट्रैंड को हम लोग लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। पूछा यही जाता है, ये जो टुकड़ों टुकड़ों में बन रहा है डीएनए इधर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। ओके, ये बातें याद रख लीजिए, यहीं से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता आना चाहिए। तो ये था डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस, कंटिन्यूअस सिंथेसिस इसका डिस्कशन हो गया। आगे आपको क्या मिल सकता है, आगे चलते हैं। ये वाला आप देखिए, जहाँ पे हम लोग के ट्रांसक्रिप्शन पे आ गए, ट्रांसक्रिप्शन में जहाँ पे ये बताया गया, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन को डिस्क्राइब किया गया है और बोला गया है कि कौन सा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3 तीन तरह के मिल रहे हैं, कौन सा क्या काम करता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आ चुका, फिर से एक बार आ सकता। तो प्रोकैरियोटिक सेल में तीन तरह के डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज मिल रहे हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1 ट्रांसक्राइब कर रहा है आरआरएनए को, राइबोसोमल आरएनए को, राइबोसोमल आरएनए 28S, 18S और 5.8S, ठीक। आरएनए पॉलीमरेज 3 फॉर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ट्रांसफर आरएनए 5S आरआरएनए, तो इसको 5S आरआरएनए SR इकट्ठे ना पढ़िएगा, 5S आरआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है और स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन हमारा डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज 3, आरएनए पॉलीमरेज 3 इनका करता है। और आरएनए पॉलीमरेज 2 किसका करता है, प्रिकर्सर ऑफ मैसेंजर आरएनए, दैट इज HNRNA, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आ चुका पहले भी, फिर भी आ सकता है। तो ये हो गया भाई, रिपीट भी तो होते हैं, ये आपने पढ़ लेना अच्छे से। सेलियन फीचर जेनेटिक कोड पढ़ लीजिए, इतना आप पढ़ के जाइए कम से कम, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलने की उम्मीद है। तो मेरा मेन फोकस था कि आपको चार ग्राफ रूल के कुछ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करा दूँ, वो मैंने करा दी। इसके अलावा रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, उसके लिए मेरी पूरी वीडियो डली हुई है, वो देखना चाहें देख लीजिए। लैक ओपेरॉन बड़ा लंबा, इसको यहाँ डिस्कस करने से फ़ायदा नहीं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, उसकी वीडियो डली हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। और इसमें आखिरी में आके एक चीज़ और है, सेलियंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड के जो सेलियंट फीचर हैं उनको भी आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, मिल सकता है क्वेश्चन। सेलियंट फीचर ऑफ जेनेटिक कोड यहाँ से भी, ये भी अच्छी बात है। एक तो ये स्टॉप कोड ऑन के तीनों को पता होना चाहिए आपको, UAA, UAG, UGA, ठीक है। अंबर, उपल, ओचर, इनके नाम वो भी याद करके जाइएगा, किसका क्या नाम है, कई बार पूछ लिया जाता है। DPMT में तो पूछा गया, नीट में तो नहीं, लेकिन चलिए पूछ ली, देख लीजिएगा। तो कोडोन ट्रिपलेट होते हैं, 61 कोडोन कोड फॉर अमीनो एसिड, और 3 कोडोन ऐसे हैं जो किसी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते, उनको स्टॉप कोडोन, स्टॉप कोडोन ये हैं आपके। सम अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन, कुछ अमीनो एसिड्स वो हैं जिनके लिए एक से ज़्यादा कोडोन है, हैंस कोडोन इज डीजनरेट। द कोडोन इज रीड इन मैसेंजर आरएनए इन कॉन्टिन्यूस फैशन, लगातार पढ़े जाएंगे, कोई भी उसमें पंक्चुएशन कॉमा इफ वो नहीं है। कोड इज नियरली यूनिवर्सल, जो कोड बैक्टीरिया में कोड कर रहा वही चीज ह्यूमन बींग में, हालांकि कुछ एक्सेप्शन है, नहीं दे रखा आपकी बुक के, आप उसमें मत पढ़िए। AUG डोल फंक्शन कर रहा है, कोड फॉर मिथियोनिन और स्टार्ट कोड ऑन है, इनिशिएशन कोड ऑन है। आओ जी आप किसी का स्वागत करते हो तो यही शुरुआत करने वाला, इससे आपका हो जाएगा। इतना आप पढ़ के जाइए, जैसा कि मैंने आपको बोला, एक एक पॉइंट, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, लेकिन बेसिकली क्वेश्चन कहाँ से मिलना चाहिए, चार ग्राफ रूल पे रिलेटेड न्यूमेरिकल आना चाहिए, न्यूक्लियोसोम मिलना चाहिए आपको ट्रांसक्रिप्शन में,
मिल सकता है क्वेश्चन रेप्लिकेशन में, मिल सकता है क्वेश्चन रेप्लिकेशन में इस बार लीडिंग स्ट्रैंड लीडिंग स्ट्रैंड या ओका जाके फ्रेगमेंट से मिल सकता है। लैक ओपेरॉन में ज़्यादातर वही पूछता है कि स्ट्रक्चरल जीन कौन सा स्ट्रक्चरल जीन किस एंजाइम के लिए कोड करता है, या पिछली बार उसने कॉन्सेप्चुअल दे दिया था कि म्यूटेशन हो गया तो रट के जाने से काम ना बनता, समझ के जाने से काम बनता। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में ज़्यादातर पॉलीमॉर्फिज्म को टारगेट करता। तो सभी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कुछ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे उसका मैंने यहाँ पे डिटेल में आपसे बात करी। मिलता हूँ ब्रेक के बाद चैप्टर सेवन इवोल्यूशन के नोट्स के साथ। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, लगे रहिए नीट सर पे खड़ा, बिल्कुल चुटिया बांध के पढ़िए। जय बाबा।